मुझे सभी जैसे आपको पता हो गया कि हमारे घर जमहूरी गौतम पार्टी के मरकजी कमेटी के हमारे जमहूरी गौतम पार्टी के चेयरमैन नौरज़ादा शाज़ेन मुफ्ती के साथ गुज़श्ता रोज़ मस्जिद नबवी में पार्टी के सरबरा और पार्टी वजीर नौरज़ादा शाज़ेन मुफ्ती के साथ जो वाक़या रहनुमा हुआ, इसके हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। और इस तरह के मुकदस मकाम पर एक तरफ मकाम की बेहरमती की गई तो दूसरी जानी बुकची खानदान के बुकची खानदान जैसे कबाइल लोगों के साथ वाकया काबिल अफसोस और नाकाबिल बर्दाश्त है। पीटीआई के सरबराहान इस तरह कारकुनों की जानिब से नारवा कार्रवाई पर नजरसारी करें और मस्जिद नबवी के साथ शाज़ेन बुकची से भी माफी मांगे, वरना ये मामला कबायली सतह पर जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पीटीआई के सरबराह इमरान खान और इनकी मुतलका कारकुनों पर आयद होगी। हम अपने कायद नौज़ादा शाज़ेन बुकटी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमारे सामने है और हमारी कुर्बानी को नामस्कन तस्लीम करते हुए, लेकिन बाज़ निदायदिकान लोग जो सियासत में नए आए हैं इनको अलग भी का पता नहीं है कि सियासत कैसे और किस तरह किया जाता है, लेकिन हम अपने कायद नौरज़ादा शाज़ेन बुकटी को कदर और इज्जत और हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम जुमहूरी लोग हैं और जुमहूरी जुबान हमारी अवलीन तरजीह है और जुमहूरी तरीके से अपने कायद का दिफा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराहान से मुतालिबा करते हैं कि वो इस तरह नारवा रवैयों पर सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और इनके कारकुनों ने मस्जिद नबवी की बेहरमती की है और बाद में शाज़ेन बुकटी से भी कबायली तरीके से माफी मांगे न होने की सूरत में जुमहूरी वतन पार्टी अपने कायद की हिफाजत के लिए रोडों पर भी निकलेंगे। अस्सलाम और सभी अज़ा, जैसे आपको पता है कि बुकटी खानदान की कुर्बानी किसी से उनकी गैरत और उनकी बहादुरी की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पीटीआई वालों ने माफी न मांगी तो हम इंशाल्लाह अपने आगे लाइमत भी तय करेंगे और सड़कों पे भी निकलेंगे। आज नवाब अकबर बुकटी के पोते नवाबजादा शाज़ेन बुकटी ने यह साबित कर दिया, जैसे पिछली दफा आपको पता होगा कि डरी बुकटी में एक मसला हुआ था, एक लेडी टीचर के साथ एक हादसा हुआ था, उस पर नवाब अकबर बुकटी ने अपना जान का नजराना पेश किया। आज बिल्कुल उसी तरह उनके पोते नवाबजादा शाज़ेन बुकटी ने भी वही रिवायत ताज़ा किए और एक लेडीज के खातर उन्होंने कुर्बानी दी। हमारा मुतालिबा है बालाए हुकाम से, अगर उसने हमारे कायद नौरज़ादा शाज़ेन बुकटी, वो हमारे लिए काबिल कदर है, हमारे एक लीडर है, वो अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम इंशाल्लाह रोडों पे भी निकलेंगे और आगे कल अमल भी तय करेंगे और अपने भरपूर दिफा करेंगे अपना। अस्सलाम, आप क्या समझते हो कासिम सूरी पे हमला किया शाज़ेन बुकटी के हमले का रद्द अमल है? ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, बलूचिस्तान आपको पता है कि एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे हमारी कुछ रिवायात है, चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो, वो अपने कबायली रिवायात रखते हैं। इस तरह मत को ये पंजाब बलूचिस्तान का पॉलिटिशियन जो है वो बाकी सूबों से पॉलिटिशियन हमारे एक अलहदा एक रस्म रिवाज है यहाँ पे, तो अगर इसी तरह का हथकंडे चलते रहे तो मेरे ख्याल से आगे और भी मामला खराब हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान की कबायली रिवायात रखते हैं, चाहे उसमें पश्तून हो चाहे बलोच। अभी ये जो हादसा कल हुआ है शाज़ेन साहब के साथ, इस पे बलोच से ज्यादा पश्तून गमजदा है, क्योंकि हमारी रिवायत है चाहे बलोच हो चाहे पश्तून हो, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम सबका मुल्क है, हम सब इसकी तरक्की चाहते हैं, ये खाली पिटाई वालों का मुल्क नहीं है। हमारे शाज़ेन साहब ने 3 साल पिटाई वालों के साथ, 3.5 साल उसके साथ गुजारे, शाज़ेन साहब की क्या मुतालिबात है? इस वक्त मौजूदा हालात में डेरी बुकटी के 1.5 लाख माजरीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर पदर के टुकड़े खा रहे हैं।
शाजी साहब का तो मुतालिबा यही था कि हमें एनओसी दिया जाए कि हम अपने बंदों को वापस दे दें बुकटी पे, उसको बाइज्जत तरीके से लाया जाए। और उनका कोई मसला था, एक गैस का मसला था वहाँ पे डेरे बुकटी में, ये उनका बड़ा एहसान है डेरे बुकटी के लोगों का, बुकटी खानदान का, कि हम सारे पाकिस्तान को वो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। शाजी साहब के ये दो मुतालिबे थे। आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान में चार सुप्रीम खानदान है, उसमें नवाब अकबर बुकटी के खानदान मसलन पहले नंबर पे, उसको किस चीज की कमी है? उसका खानदान दर पदर है मुख्तलिफ शोरों में, बुकटी जो मुशरफ के दौर में जो ऑपरेशन हुआ था 2005 में, उसके बाद लोगों ने हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में वो रिहाइश पजीर है और दर पदर के टोकरे कर रहे। शाजी साहब का तो मुतालिबा यही था, वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब से पूरा न हो सका और ये नौबत पेश आई। अगर शाजी साहब इमरान खान का साथ देता भी तो उसको कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि सारे इदारे सारे सिस्टम उनके खिलाफ हुआ। अकेला शाजी साहब क्या कर सकता था? तो कुछ नहीं कर सकता। शाजी साहब का अपना एक विजन है, उनको उनसे लोग अपने कबाइल काम मांग रहे हैं, अपने घर मांग रहे हैं, उससे कोई ना नौकरी मांग रहे हैं, ना कोई फंड मांग रहे हैं, ना कोई रोड मांग रहे हैं। 30 साल के बाद बुकटी खानदान का एक नवाबजादा शाजीन बुकटी और गोरा बुकटी मेंबर मुंतखब हुए। 30 साल के बाद लोग अभी भी लोग इनको नहीं छोड़ रहे, एक लगड़ी को लाकर उधर कड़क करके एक नवाब की इस तरह की बेइज्जती करता है, उनके बाल लोचता है, ये आज तक हुआ है? ये तो किसी का पाकिस्तानी, हम सब का पाकिस्तान है, हम सब ने इस पर सोचना चाहिए। और ये बहुत खतरनाक ना कबीले बर्दाश्त अमल है। अच्छा। तो ये हम सब ने इसका मुकाबला दिलेरी से करना है। अभी ये तो मौजूदा हालात में पिछाई वाले की कुछ ऐसी सासदा ने जो अभी मेरे ख्याल में मेरे दिमाग से अभी तक ये लोग सियासत में नाबालिग है, तो इंशाल्लाह हम अपने कायद का सूरत दिफा करेंगे, चाहे मसलन पश्तून हो, बलोच हो, हजारा हो, पंजाबी हो, हमारे पार्टी में हर किसी के लिए मसलन दरवाजे खुले हैं। तो ये मलिक साहब, बलूचिस्तान और वफाक या पंजाब की सियासत में बहुत फर्क है, अगर वो माफी नहीं मांगते, पीटीआई के कारकुनान बलूचिस्तान में भी बहुत है और अक्सरियत में भी हम कह सकते हैं, कुछ अराकीन असेंबली भी है उनके, तो क्या यहाँ पे खाना जंगी नहीं फैलेगी इस तरह के वाकयात से? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे यहाँ पे कुछ रवायात होती है, पीटीआई हमारे बलूचिस्तान में इतने माशाल्लाह पावरफुल भी नहीं है ना कि उतने या पे हमारा अपना एक रिवायत है। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन है वो इनकी सियासत सारी पाकिस्तान से आ जाए, हम यहाँ पे कुछ रिवायत हम लोग रखते हैं इस वजह से। तो ये अगर न रोका गया तो ये आगे और भी काम खतरनाक होता जा रहा है। सर, इसकी जिम्मेदारी किस जो खारा जंगी की जो जिम्मेदारी है आप किसके मतलब? ये तो पार्टी सरबराहान के लिए जो अभी सोशल मीडिया पर उसको हीरो बना रहे, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, खान साहब वो देखते वो तो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी भी उसके साथ ही, शाहजहां साहब ने 3.5 साल उसके साथ गुजारे। ये जो मौजूदा अपने आप को जो बबरशर कह रहे हैं, जो अपने आप को हीरो कह रहे हैं, ये तो इन पे आयद होती है न, जिसका मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। शाहजहां साहब का बैकग्राउंड आप सबके सामने, उनकी कुर्बानी की मिसालें सारी दुनिया देती है, बल्कि तारिक जमील साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, बल्कि मेरे ख्याल से आप सब ने देखा होगा कि मैं दुनिया जान के लीडरों से मिला हूं, मैं दुनिया जान के बादशाहों से मिला हूं, मगर मैंने आज तक नवाब अकबर बुकटी जैसा दिलेर और गैरतमंद लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। बल्कि बरतानिया का एक साफी था, जुनेद स्मिथ नाम है उसका, क्या नाम है नाम उसमें, उसने बाकायदा अपनी किताब में भी बुकटी साहब का जिक्र किया, ये वर्ल्ड में एक पसंद दिलेर लीडर है। तो आप बुकटी साहब का भी बैकग्राउंड देखो, इमरान खान के अलावा जो उनके इतिहादी है, जो उनके या कैंडिडेट है, जो या उनके साथी है, उनका भी बैकग्राउंड देखे, नवाब अकबर बुकटी का भी बैकग्राउंड देखे, गैरत और मसलन कुर्बानी के लिहाज से वो भी इस मुल्क के लिए लड़ा है, उस कुर्बानी दिए, गवर्नर रहा है, वजीर दाखिला रहा है, मसलन वजीर आला बलूचिस्तान रहा है, तो ये ना काबिल बर्दाश्त हमारे इस पे सबसे ज्यादा हमारे पश्तून सबसे ज्यादा गमजदा है। हमारी कुछ रिवायात है बलूचिस्तान की, इस तरह तो नहीं कि वहाँ पे कोई बैठे एक लगड़ी को लाकर कड़क करे एक मुतबर के आप बेइज्जती करवा रहे हैं, या आप बलूचिस्तान के नवाबों या सरदारों या सरबराहान की बेइज्जती करवाए, ये काबिल बर्दाश्त अमल है, इसका हम किसी तौर इजाजत नहीं देंगे और उसकी शदीद मुज़म्मत करेंगे।